सुगंध किसको अच्छा नहीं लगता है? सामान्य परिवार से हैं और सामान्य परिवार से बिजनेस शुरू करना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अनुभव नहीं होता है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं, कोई गॉड फादर नहीं होता है। तो आपको क्या क्या तकलीफ है, उसको कैसे आप लोगों ने सॉल्व किया? पैसा था नहीं, फंड था नहीं, तो हम सब बाहर से लाने से ये सब करना पड़ता था, तो ब्याज बढ़ता जा रहा था, ब्याज चुकाने के लिए ब्याज पे लेना पड़ता, ये सब। एक ऐसे ही बिजनेसमैन की स्टोरी लेकर कि जिन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री का पूरा नया तरीका डेवलप किया बिजनेस करने का, तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूं सूरत के एक बहुत ही बड़ी ब्रांड। सुगंध किसको अच्छा नहीं लगता है? हम सब सुगंध के दीवाने रहे हैं, लेकिन इस सुगंध की परिभाषा को एक कंपनी ने बदल दिया। अक्सर कर हम लोग देखते हैं कि लोग सुगंध को पुराने तरीके से एक परफ्यूम की दुकान है, एक लारी है जहां पर सुगंध वाले अत्तर मिलते हैं। अभी तक हम लोग ये चीजें करते आ रहे थे और देखते आ रहे थे, लेकिन मैं आपको एक ऐसे कंपनी से मुलाकात करवाने वाला हूं जिन्होंने सुगंध की इस परिभाषा को बदल दिया। तो चलिए फिर से हाजिर हूं एक ऐसे ही बिजनेसमैन की स्टोरी लेकर कि जिन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री का पूरा नया तरीका डेवलप किया बिजनेस करने का। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूं सूरत के एक बहुत ही बड़ी ब्रांड A1 परफ्यूम एंड नॉल्टी के ऑनर मिस्टर विपुल भाई एंड मिस्टर गोपाल भाई से। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने अपना समय दिया और आप लोगों ने हमारे लिए ये समय निकाला कि जहां पे हम आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जान सके। सबसे पहले सर, हम आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ी आपकी कंपनी के बारे में बताइए कि क्या है आपकी कंपनी, कब शुरू हुई थी और कैसे आप लोगों ने शुरू की थी। विपुल भाई जवाब देंगे इसका। हमने ये कंपनी 2004 में चालू की। अच्छा, आज ये इंटरव्यू दे रहे तब हमारा 18 साल कम्प्लीट हुआ है। क्या बात है। और ये कंपनी हमने छोटे से विचार से चालू की थी कि हम कुछ बिजनेस करें। जी। जैसे हम पहले नौकरी करते थे उस टाइम हमको लगा कि हमको कुछ बिजनेस करना चाहिए, वो पर्पज से हमने ये चालू किया। ओके। और जब चालू किया तब हमारे पास कुछ फंड नहीं था, हम छोटे फैमिली से आ रहे हैं, जैसे हमारा मध्यम वर्ग कहलाता है उसी हिसाब से हम बिजनेस हमारा फैमिली करता है, तो हमने सोचा कि हम कुछ बिजनेस करते हैं, तो वो हिसाब से हमने स्टार्ट किया। और उस टाइम हमारे पास पैसा भी नहीं था, उस टाइम हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहला जो फंड था ना वो भी हमने ब्याज पे लिया था। अच्छा, ऐसी स्टोरी है हमारी। तो सर परफ्यूम ही क्यों, मतलब पहले बहुत सारे और भी बिजनेस है, तो परफ्यूम में ही आप लोग क्यों आए, इसका क्या कारण? क्योंकि लोगों की खुशी में हमारी खुशी है। क्या बात है, क्या बात है। तो परफ्यूम में आपको पहले से मतलब पहले से एक्सपीरियंस था या इसमें आने के बाद आपने सीखा, कैसे शुरू कैसे किया? एक्सपीरियंस तो वैसे समझो तो कुछ नहीं था। अच्छा। मगर हमारा अंदर जो है ना वो दिल हमारा साफ था कि हम कस्टमर को कुछ वैल्यू दे, कुछ अलग दे, कुछ हटके दे। अच्छा। कुछ इसकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करे, वो हिसाब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। एक्सपीरियंस नहीं था, पर एक्सपीरियंस अंदर ऐसा था कि हम कुछ नया दे कस्टमर को। मतलब अगर एक चीज देखे, आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी नीयत साफ है तो एक बहुत बड़ी ब्रांड बनाई जा सकती है। तो सर एग्जैक्टली मैं उसके बारे में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी। हमारा विपुल भाई जो है ना पहले से ही प्रोडक्ट जो है ना टेस्ट करके लेते हैं, पहले यूज करते हैं, उसके बाद हम मार्केट में रखते हैं। अच्छा। तो विपुल भाई की जो चॉइस है अब तक जो 18 साल में सब परचेस डिपार्टमेंट विपुल भाई देखते हैं, तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि हमको निकलना पड़ा कोई प्रोडक्ट। अच्छा। तो ये सी इसकी चॉइस है, इसके हिसाब से सब चल रहा है हमारा। और उसके पीछे भी वही संदर्भ है कि हम है ना पहले सोचते हैं कि हम कस्टमर को क्या बेस्ट दे सकते, वो हिसाब से मैं परचेस करता हूँ, तभी ये संभव है। ग्रेट, बढ़िया। तो सर आपका बैकग्राउंड क्या, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं और आपने कैसे इस बिजनेस को शुरू किया? तो बैकग्राउंड तो हमारा मैंने आपको बताया, वैसे हम कोई धनाढ्य परिवार से नहीं है, सामान्य परिवार से है। हमारी सोच थी कि हम कुछ नया करें, बिजनेस करें, तभी हम दोनों ने मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ नया देने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया और अभी दे रहे हैं। राइट। जैसे सर ये 18 साल आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी को हो गया, तो 18 साल का हमारा अभी फिलहाल करंट सिनेरियो क्या है, हम क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? ओके। राइट नाउ हम बताएं तो सूरत में हमारे रिटेल 5 आउटलेट है। okay. बराबर। okay. तो इसमें हम परफ्यूम, अंडरगारमेंट, बेल्ट, वॉलेट, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड बढ़ती गई ऐसे ऐसे हम प्रोडक्ट ऐड करते गए, और प्रोडक्ट में भी हमने देखा कि हमको क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है। अच्छा। नहीं कि कोई आ गए या रख दिया सामान बेचने चालू हो गया, ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं, हमारा इंटेंशन है बेस्ट क्वालिटी कस्टमर को देना। ओके। तो इस हिसाब से हम विपुल भाई सब जो ये देखते हैं क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद हम खुद यूज करते हैं, बाद में हम मार्केट में रखते हैं।
तो सर ये कंपनी के अंदर आपका रोल और आपका रोल क्या है सर? सही बताया आपने, कंपनी का मैंने विपुल भाई को तो बता दिया कि वो परचेस डिपार्टमेंट सब संभालते हैं, बाकी जो स्टोर का जो ऑपरेटिंग सब चीज़ है वो सब विपुल भाई देखते हैं, और मेरा रोल है अकाउंटिंग, फाइनेंस और एक्सपांसन का, जो नई नई कैसे थिंकिंग लाना, नया ये ब्रांड को आगे कैसे बढ़ाना, कैसे मार्केट में इस्टेब्लिश करना, वो सब मेरा काम है। राइट तो सर, जब आप ये बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो आपको चैलेंजेस तो बहुत सारी आई होगी। बहुत चैलेंज, क्योंकि एक सामान्य परिवार से हैं और सामान्य परिवार से बिजनेस शुरू करना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज। Exactly. क्योंकि अनुभव नहीं होता है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं, कोई गॉड फादर नहीं होता है। Exactly. तो आपको क्या क्या तकलीफ आए, उसको कैसे आप लोगों ने सॉल्व किया? वैसे तकलीफ तो हमारी बहुत आई है, लेकिन हम एक चीज पे ट्रस्ट रखते थे कि ऊपर वाला जो करता है सही करेगा। अच्छा। तो ऊपर वाले के भरोसे ही अब तक चला है, लेकिन जब जब हमको आइडिया है कि बिजनेस कैसे करना चाहिए बराबर ना, तब हमने बहुत सारे चेंजेस किए। शुरुआत में तो हमने बहुत चैलेंज फेस किए, क्योंकि पैसा था नहीं, फंड था नहीं, तो हम सब बाहर से लाने से ये सब करना पड़ता था, तो ब्याज बढ़ता जा रहा था, ब्याज चुकाने के लिए ब्याज पे लेना पड़ता, ये सब सिचुएशन हमारे पे आ चुकी है। लेकिन ये 4 साल से मैं प्राउडली कह सकता हूँ मेरी कंपनी में 1 रुपये का अभी ब्याज नहीं है। क्या बात, हम कोई भी कर्जा चुकाते नहीं, एकदम लोन फ्री कंपनी हमारी है। बढ़िया। तो सर बहुत सारे लोग और भी हैं जो लोग बिजनेस बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। Exactly. जैसे कि कई बार उनके वहां पर टीम अच्छी लोगों की आती नहीं है, बना नहीं पाते हैं, या फिर कई बार लोग आते तो हैं लेकिन छोड़कर चले जाते हैं, कई बार सिस्टम नहीं बना पाते हैं, एक ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो सर आपने वो सारी चीजें कैसे सॉल्व की? जो टीम को हम है ना हमारा फैमिली मेंबर मानते हैं, टीम की चैलेंज होती है वो हमारी चैलेंज होती है, वो हिसाब से हम टीम को देखते हैं। ओके। टीम को मोमेंट बाय मोमेंट हम अप्रिशिएट करते हैं, उसका जो वर्क है, जो काम कर रहे हैं उसका हम देखते हैं, उसको एक्नोलेज करते हैं, वो सब हम डे बाय डे बढ़ाते जाते हैं। जैसे हमारे कंपनी में कोई भी छोटा भी अगर पहले दिन भी कोई आदमी आए तो उसको ऐसा लगे कि मैं फैमिली मेंबर हूँ, ऐसा नहीं लगता कि मैं नया हूँ। Right. तो वो हिसाब से हम पूरी टीम को मैनेज करते हैं, तभी ये जाके ये एवन खड़ा हुआ है। Right. और मैं आपको बता दूँ कि हम कुछ करते नहीं। अच्छा। हमारा टीम, हमारे जो पार्टनर है वो सब ये ब्रांच चलाते है, वही करते हैं। ओके। सर एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पढ़ा, वेचलो माल खुशी खुशी पाछो लेवामा आवशे। मैं क्रिएट कर दूं, वेचलो माल हसी खुशी थी पाछो लेवामा आवशे। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई लिया बेचा हुआ माल वापस नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, तो आपने ये कंसेप्ट कैसे सोचा और आप कैसे एक्सेप्ट कर ले, उसका रिस्पांस क्या मिल रहा है? वही कॉन्सेप्ट वहाँ से ही आता है कि हमको है ना किसी के साथ चीट नहीं करना है जी। कस्टमर को ऑथेंटिक, कस्टमर के सामने ऑथेंटिक रहना है। अगर वो इधर से माल ले जाता है और घर पे जाके उसको लगता है कि ये तो महंगा है, ये तो मेरे को नहीं चाहिए, ये कलर मेरे पास पड़ा है, तो जब वो वापस लेके आता है ना तब हमको ऐसा लगता है कि हम जो देते टाइम फीलिंग हमारा था ना वही फीलिंग लेते टाइम होना चाहिए। अच्छा। तो वो कॉन्सेप्ट से हम अभी तक चल रहे हैं, 15 साल से। हमारा कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि अभी मत सर सुबह है कल आओ ना, ऐसा दोपहर के बाद आओ, ऐसा हमारा यहाँ नहीं होता। अच्छा। हम अगर दीवाबत्ती भी कर रहे हैं वो जला भी दिया है तो वो छोड़ के वो पहले कस्टमर को देखे कि लो सर अपना पैसा वापस। ओके ओके। तो हमारे लिए रियल में कस्टमर इज गॉड है, वही हमारे पावर देती है कि हम ये सिद्धांत पे चल रहे हैं। राइट। तो सर 5 आउटलेट फिलहाल आपके हैं और कितने लोगों की टीम है सर फिलहाल? 25 लोगों की टीम। 25 लोगों की टीम। तो सर ये 25 लोगों की टीम आप कैसे संभालते हैं, क्योंकि इनको बनाने में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, अच्छे लोगों को लेकर आना, उनको रिटेन करना, उनको ट्रेंड करना, उनसे काम करवाना, तो ये सारी चीजें कैसे है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सबसे बड़ा चैलेंज है टीम को बनाना। Exactly. तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि टीम के ऊपर ट्रस्ट करना। अच्छा। हम हर एक आदमी पर ट्रस्ट करते हैं, उसको ऐसे डाउट से नहीं देखते कि कर पाएगा कि नहीं पाएगा, वो कर ही पाएगा। अच्छा। वो इंटेंशन से हम चलते हैं। वो आज हमने गोपाल भाई जो अकाउंट देखते हैं तो गोपाल भाई जैसा सेम टू सेम 2 आदमी खड़ा कर दिया। अच्छा। उसका जैसे सेकंड लाइन बोलते हैं वो हमने कंप्लीट कर दिया। मैं परचेस करता हूँ तो मेरा भी 2 सेकंड लाइन है, वो भी परचेस पूरा, अगर मैं 1 महीना नहीं हूँ इधर तो भी हमारा एवन का परचेस वैसे ही वैसा होगा जैसे मैं करता हूँ, अगर ये भी 1 महीना नहीं होगा वैसे ही वैसा काम होगा जैसे ये करते हैं। मतलब टीम बिल्ड करने का सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रस्ट करना। जब तक आप सामने वाले पे भरोसा नहीं करते हैं तब तक शायद आपको रिजल्ट नहीं देता है। तो सर सबसे बड़ा कारण तो कि लोग भरोसा क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो अपनी टीम को डाउट के नजर से देखते हैं, ऐसा क्यों? खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होना। अच्छा। मैं तो यही समझता हूँ कि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये बंदा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तभी ये ट्रस्ट नहीं आता। और उसकी सोच भी ऐसी होती है
कि जैसे हमारी सोच है कि पीपल आर ग्रेट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एग्जैक्टली वहां से आता है कि ये अच्छा कर पाएगा, आज नहीं तो कल करेगा। राइट राइट। तो सर ये टीम को हम चलाते कैसे, हमारे लिए सिस्टम क्या है, मतलब हमने कौन कौन से सिस्टम डेवलप किया है जिससे हमारी टीम डेवलप हो रही है और अच्छे से परफॉर्म कर रही है, क्योंकि सिस्टम भी बहुत जरूरी है एक बिजनेस के अंदर। एग्जैक्टली। तो कौन कौन से सिस्टम हमारे वहाँ पे टीम के लिए है? टीम के बारे में मैं बताऊँ तो वैसे समझो कि जब कोई आता है हमारी टीम में तो विपुल भाई उसका इंटरव्यू करते हैं। ओके। बराबर। उसको देखते हैं और उसको जो कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन वो समझाते हैं, उसके बाद उसको जो ब्रांच है ब्रांच के अंडर में ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है सब। उसके बाद उसको प्रायोरिटी दिया जाता है कस्टमर के सामने सेल्स करने का, प्रोडक्ट दिखाने का, ऐसे सब प्रोसेस होते हैं। धीरे धीरे वो भी ग्रो होता है, उसको भी समझ में आता है एक प्रोडक्ट कैसे डिलीवर करना कैसे करना, ये सब सिस्टम से चलते हैं हम। राइट राइट राइट। और सर एक चीज और है कि मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोग सालों से एक रिटेल स्टोर चलाते हैं, वो एक का दो नहीं कर पाते हैं। राइट। आप यहाँ पे पांच चला रहे हैं और मुझे जहां तक आइडिया है आपकी पांचों के पांचों खुद की हैं, फ्रेंचाइजी नहीं है। नहीं, खुद की ब्रांच। राइट ना। तो एक से पांच रिटेल स्टोर तक जाने का क्या फॉर्मूला है? लोग एक नहीं, एक से दो नहीं कर पाते, आप पांच कर चुके। वही आपको आगे बताए कि ट्रस्ट। अच्छा। अगर दूसरे पे ट्रस्ट होगा तभी आप गल्ला छोड़ पाओगे। जैसे हमने गल्ला छोड़ा तो दूसरी ब्रांच कर पाए, तीसरी जब की तो तीसरे को तैयार किया तभी चौथी कर पाए, वैसा हमारा सिस्टम है। और हमें हर एक आदमी को ऐसा देखते है कि ये कर पाएगा तभी ये संभव हुआ है। रिटेलर्स आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको गल्ला छोड़ना है तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और ये लाइव एग्जांपल है जिन्होंने बताया कि ये एक भी किसी भी गल्ले या किसी भी काउंटर पर नहीं बैठते हैं, उनकी टीम ही सारी चीजें करती है और एक रुपए का मेरे हिसाब से कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और खुशी की बात बताओ, मैंने पिछले 10 12 साल 15 साल हो गए मैंने पैसे को हाथ नहीं लगाया कि पैसा कितने आया कहां गया, वो पूरा सिस्टम से होता है। और अभी भी बहुत सारे रिटेलर ऐसे हैं जो सर शाम को जब तक काउंटर नहीं करेंगे कि रुपए तब तक वो दुकान का शटर नहीं गिराते हैं। राइट। और वो चीजों से आप निकल गए, कोई आगे नहीं बढ़ने। तो सर A1 का फ्यूचर का प्लान क्या, हमारा विजन क्या है आने वाले समय का? मैं आपको दिखा दूं कि हम 4-5 साल पहले हमने एक विजन देखा था कि सब जगह पे ब्रांच करना। अच्छा। बराबर ना। तो हमने एक बाय एक 1x1 ब्रांच की, 8 ब्रांच तक हमने फैला। बाद में हमने देखा कि ये ब्रांच बढ़ाने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही थी। अच्छा। क्योंकि एक्सपेंशन करना होता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, फर्नीचर टीम वगैरह ये सब। तो उसमें हमने देखा कि ये ब्रांच तो हम बढ़ा रहे लेकिन लास्ट में देखते हैं एंड ऑफ ईयर कि प्रॉफिट नहीं हो रहा। अच्छा। तो उससे हमने थॉट प्रोसेस निकाला और जो होरिजिकल ग्रोथ बोलते हैं उसको हमने वर्टिकल ग्रोथ में लाया कि यही जो ब्रांच है उसमें मुनाफा कैसे बढ़ाए। तो अभी हमारा एक साल का और भी ऐसा ही टारगेट है कि ब्रांच नहीं बढ़ानी, जो ब्रांच है उसमें बढ़ा करके क्या हम सेल्स ज़्यादा बढ़ा सके, प्रॉफिट बढ़ा सके, और यही टीम जो है वही टीम का यूटिलाइज कैसे करें। राइट। बराबर ना। तो वो सब अभी उसके हम वर्कआउट कर रहे हैं और वहाँ से हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मतलब फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाना है एग्जिस्टिंग कंपनी से या एग्जिस्टिंग ब्रांच में से। Exactly. राइट ना। तो सर लोग प्रॉफिट नहीं बढ़ा पाते, जैसे आपने बोला कि आपका भी एक टाइम पे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, आपने ब्रांच बढ़ा दिया था। तो वो प्रॉफिट नहीं होता उसके क्या कारण होते हैं? प्रॉफिट होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन हमने जो फेस किया उसका हम बता दें कि हमको क्या होता है कि हम जल्दी बिजनेस बड़ा करना है, जल्दी बिजनेस बड़ा करना है, ऐसा सब रिटेलर को होता है। तो एक हो गई, दूसरी खोल दी, तीसरी खोल दी, चौथी ब्रांच खोल दी, या तो कुछ ऐसा एक्सपेंस कर दिया बिना सोचे, तो ये सब कहते हैं ना उसका कैलकुलेशन नहीं बैठता, सेल्स में कन्वर्ट नहीं होता। सेल्स होता है तो ज़्यादा खर्चा कर देते हैं मार्केटिंग वगैरह वगैरह में। हमने ऐसा कोई मार्केटिंग भी स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई कि बहुत सारा मार्केटिंग करके हम कस्टमर को लाए। अच्छा। लेकिन ये क्या है कि ये बिना सोचे कि खर्चे जो होते हैं ना उसके हिसाब से कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाती। अच्छा। तो मतलब हमारा जो प्रॉफिट होता है कहीं ना कहीं उसको खर्चे में कन्वर्ट कर देते चले जाते हैं और इसलिए हमारा प्रॉफिट हमें दिखता नहीं। तो फिलहाल हमारा जो फोकस है वो है प्रॉफिट को बढ़ाना। हाँ। और दूसरी चीज मैं बताऊँ जो हमारी कंपनी में अप्लाई हुई है वो है स्टॉक, ओवर स्टॉक। अच्छा। ज्यादातर रिटेलर है ना ओवर स्टॉक में फंसते हैं। अच्छा। क्योंकि रिटेलर को एक ही दिमाग सूझता है, हमारा भी ऐसा ही माइंडसेट था पहले कि माल है तो ही बिजनेस होगा। अच्छा। स्टॉक होगा तो ही बिजनेस होगा। अच्छा। लेकिन इस दर दर में से हम 4 साल पहले निकल गए कि कम स्टॉक में भी बिजनेस हो सकता है। अच्छा। तो जितना स्टॉक फरेगा घूमेगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा। जितना ज़्यादा स्टॉक रहेगा स्टॉक कम घूमेगा, साल में 1-2 बार ही घूमेगा
तो पक्का ही है नुकसान ही होने वाला है, प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है। सही है। तो जितना ज़्यादा स्टॉक घूमेगा ना उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, वो चीज़ पे हमने काम किया और हमारा अभी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। मतलब हमारा जो बिजनेस ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण है वो एक स्टॉक है, खास रिटेलर के लिए। रिटेलर के लिए खास को क्या रहता है कि कोई भी व्यापारी आता है अपना सैंपल लेके, तो वो बोलता है दे दे। अच्छा। तो बाद में जब उसको पता चलता है तो उसके सभी रेक फुल रहते हैं, तो रियल में इतना सेल होता नहीं है और स्टॉक ज्यादा होता है, तो वो अपना प्रॉफिट कम करता है। तो आपके हिसाब से मानो सर, एक बंदा कोई रिटेल की कंपनी या रिटेल का स्टोर चला रहा है और उसको उसी स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाना है या उसी में से ज्यादा प्रॉफिट करना है, तो कौन कौन सी 2-3 बातें हैं जो उसको ध्यान रखना चाहिए? एक तो स्टॉक उसको कम करना चाहिए। ओके। उसको अपने फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। राइट। उसको खर्चे पे ध्यान देना चाहिए। 3-4 कॉमन आइटम है वो ध्यान देवे ना, तो उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ओके। और आपके हिसाब से सर? मेरे हिसाब से जितना बने, जितना हो सके ना, उतना जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाएं कि ज़्यादा खर्चा नहीं हुए। राइट। और इसका रिटर्न, हम बोलते हैं ना ROI, हमारा जो मार्केटिंग का बजट होता है उसका ROI निकल रहा है कि नहीं, खाली सेल्स पे फोकस मत दो। राइट। टीम के लिए ट्रेनिंग है या सिस्टम है, क्यों और कितना जरूरी है? टीम के लिए मैं बताऊँ तो हमारा हर 15 दिन में, महीने में एक मीटिंग होती है, तो वहाँ पे सब डिस्कशन होती है, कंपनी में क्या चल रहा है अभी, क्या आपके ब्रांचों में चैलेंज आ रही है, स्टॉक को क्या, स्टॉक कैसे कंट्रोल करें, ये सब ट्रेनिंग हमारे वेयरहाउस पे होती है। अच्छा, क्यों जरूरी है सर इस चीज़ की? क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स को मैंने देखा हुआ है, उनके वहाँ पे टीम तो होती है लेकिन उसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो वो क्यों जरूरी है ये सारी एक्टिविटी सर? क्योंकि हमारा हर एक व्यक्ति का माइंडसेट अलग अलग होता है। right. बराबर, आपकी थिंकिंग प्रोसेस अलग है, मेरी अलग है, इनकी अलग है। जब एक साथ बैठेगा ना तो कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य निकलेगा, जैसे कि समुद्र मंथन में से निकला था, बराबर ना? right. तो ऐसे ही साथ में बैठेंगे, थिंकिंग करेंगे, तो पता चलेगा हमको बिजनेस को आगे कैसे ले जाना, अभी करंट में क्या क्या चैलेंजेस आ रही है, वो चैलेंज को कैसे डील करें, क्योंकि ये सब यूनिवर्सिटी रहे, सब एक जैसे रहे, सब हमारा 5 आउटलेट है, तो एक आउटलेट में अलग चल रहा है, दूसरे आउटलेट ऐसा तो चलेगा नहीं। सही। कस्टमर कहीं पे भी जाए तो एक ही फीलिंग आए, उसके लिए हम सेंट्रली वेयरहाउस में हम ट्रेनिंग करते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो वो खूब जरूरी है। उसमें फैमिली पिकनिक रखते हैं, फैमिली बॉन्डिंग के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, वो सब हम स्टाफ के लिए सब करते हैं, इसीलिए ये चैलेंज नहीं आती बाद में। और सर, आपके हिसाब से अगर एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छा बिजनेस बनाना है, तो एक बिजनेसमैन का रूटीन क्या होना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक का? वैसे कोई फिक्स तो फॉर्मेट नहीं है इसका, फिर भी जो मतलब आपको लगता है कि यार एटलीस्ट ये चीज तो होना चाहिए। जो मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं बताता हूँ कि एक बिजनेसमैन, नहीं के इसको क्या बोलते हैं, मैं बिजनेसमैन की बात करूं कि एक बिजनेसमैन को अपना रूटिंग ऐसे सेट करना चाहिए कि मेरे नहीं होते हुए भी मेरे जो काम है वो हो रहे कि नहीं हो रहे। right. बराबर ने? तो मैंने मेरे चेकलिस्ट में 6-7 ऐसी चीज़ है कि मैं वो सब फॉलो करता हूँ। अच्छा। जैसे कि मुझे कुछ ब्रांच का फॉलोअप लेना है तो ब्रांच का फॉलोअप मैं ले लेता हूँ सुबह में ही। उसके बाद रहता है अकाउंटिंग का देखना है, मेरे अंडर में जो आता है तो अकाउंटिंग के सब ब्रांच के सब डिटेल आ गए कि नहीं आ गए, वो मतलब आपका जो रूटिंग है बिजनेस में नहीं जाने से पहले भी ये कर सकते हो। तो आपका वो रूटिंग चेक होना चाहिए कि मेरा वो जो मेरा बिजनेस का मेरा जो अंडर का रोल आता है वो काम मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। राइट। मतलब अपना जो हमने GD बनाया हुआ है कि भाई मुझे ये चीज करना है तो मैं वो फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और सर, आपके हिसाब से एक बिजनेसमैन का रूटीन? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि एक बिजनेसमैन को ये देखना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या नया चल रहा है। राइट। अभी हमारी नीड क्या है, हमारा कस्टमर क्या अप्रोच कर रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए, तो वो सब आइटम हमको मार्केट में जाके देखना चाहिए। और लोग क्या पहन रहे हैं, जैसे हमारी फैशन इंडस्ट्री है तो हम फैशन में देखते हैं कि उसने बेल्ट कैसा पहना है, उसने सॉक्स कैसे पहने, उसने कपड़े कैसे पहने, वो सब देखते देखते हमको वो सब बाहर घूमेंगे, अगर मार्केट में रहेंगे तो पता चलेगा, अगर काउंटर पे बैठ जाएंगे, गले पे बैठ जाते, वो नहीं मिलेगा। तो एक बिजनेसमैन का रोल ये होना चाहिए कि उसकी कंपनी में अभी क्या नीड है और वो क्या कर सकता है, वो विचारधारा पे चलना चाहिए। सर, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं मार्केट में मंदी है और मार्केट पहले जैसा नहीं रहा,
पहले बहुत सारा चीज हम कर लेते थे, आज नहीं कर पा रहे, तो आप कितना मानते हो कि मार्केट में मंदी है? हम उसको जीरो मानते हैं। आज तक हमने दोनों पार्टनर ने इतने साल से धंधा कर रहे, एक बार भी किसी ने हमारे मुंह से सुन लिया हो ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा कि हमने बोला उसको मंदी है। तो इनका इसका कहने का मतलब है कि हम मंदी में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। मंदी में पार्टिसिपेट कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया। परिस्थिति जो भी हो उसके सामने हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम खड़े रहते हैं। तो मैं बताऊँ, एक दो हिंट बताऊँ कैसे ये बोल रहे हैं कि कोरोना के जैसा माहौल आया, बराबर। फर्स्ट कोरोना में हमारी सब शॉप 2 महीने बंद रही, एग्जैक्ट 60 दिन बंद रही, फिर भी हमने वो महीने में जो अगले महीने में सेल्स किया था वो अचीव कर लिया। अच्छा। अगले साल में ऐसे ही अभी ये जो ये साल चल रहा है उसमें भी हाँ 1 महीना बंद रहा। अच्छा। जो हमारा पीक सीजन रहता मई का, जो सब घूमने जाते हैं वो सीजन रहता है, उस सीजन में हमारी शॉप बंद रही, फिर भी हमने ग्रोथ किया सेल्स का। अच्छा। हाँ, तो सर जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मंदी है, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? बस पार्टिसिपेट मत करो आप मंदी में। उसके लिए मैं वही बोलता हूँ, वही मंदी को न्योता देता, आओ हमारे यहाँ। हम कभी देते नहीं है, इसलिए हमारे स्टाफ में नहीं आता, इसलिए हमारे कस्टमर में नहीं आता, इसलिए यूनिवर्सल में नहीं आता, तो हमारे यहाँ आएगा ही नहीं। मैंने सर बहुत सारे रिटेलर्स को देखा और उनके साथ काम भी किया है, तो देखा है कि लोगों ने दुकान चालू कर दिया, मतलब सुबह में गए दुकान उन्होंने ओपन कर दिया, फिर टीम उनकी बैठी है, फिर वो सोफे पे बैठ के मोबाइल चलाते हैं, उसके बाद व्हाट्सअप करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, मतलब तो ये जो चल रहा है या ये जो हो रही है उसके बाद वो कहते हैं मार्केट में मंदी है या मार्केट में बिजनेस नहीं आ रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो यही कहना चाहूंगी कि वो बर्बादी छोड़ो और तरक्की की ओर बढ़ो। वो मोबाइल अपना बर्बादी है, जैसे यूट्यूब फेसबुक वगैरह में पड़े रहते हो, 3-4 घंटे निकाल देते हो, वही 3-4 घंटे हम बिजनेस में क्या कर सकते? मोबाइल से हम अपने स्टेटस में अपने बिजनेस की बात रख सकते हैं, मोबाइल से हम अपने फेसबुक में अपना स्टेट रख सकते हैं, फोटोग्राफ की ये हम बेच रहे हैं, तो वो करने से वजह से वो वीडियो वो वेब सीरीज उसमें टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा तो है कि अपने बिजनेस में टाइम लगाए। Right. और वैसे लोगों के साथ बैठना उठना रखे कि जो ये नहीं करते। Right. ज्यादातर लोग वही सेटिंग में रहते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, मैं भी वैसा करूं। तो वो हिसाब से उसका टाइम जाता है। सर एक बिजनेसमैन के लिए मैंने जहां तक देखा हुआ है लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. राइट ना, कि एक बिजनेसमैन को कंटिन्यूअसली लर्निंग करना चाहिए। हुँ. तो आपके हिसाब से क्या लगता है, एक बिजनेसमैन को क्यों लर्निंग करना चाहिए और क्या लर्निंग करना चाहिए? ओके, सो बिजनेसमैन को इसलिए लर्निंग करना चाहिए कि आप अगर लर्निंग नहीं करोगे ना तो आपका धंधा ऐसे ही बंद होने वाला है। अच्छा। ऐसे ही बंद होने वाला है, क्योंकि अभी जो मार्केट है ना ऐसे नहीं चल रही, ऐसे चल रहा है। अच्छा। ऐसे ग्रोथ हो रहा है सबका, इसके साथ आप चलोगे नहीं ना जी। तो आप जो चलने वाले थे ना वो भी डाउन हो जाएगी। राइट। तो बिजनेसमैन को हर बार अपनी बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहना चाहिए, उसके लिए कुछ अपना खुद का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि भाई वीक में 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार या तो एक दिन में मैं 1 घंटा लर्निंग को दूंगा, बुक रीड करूंगा या तो कुछ ऐसे वीडियोस देखूंगा जैसे मेरे और मेरी कंपनी का ग्रोथ हो। सर आपके इस बिजनेस के जर्नी में, 18 साल की जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको लगा कि हमारा बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है या बहुत ज़्यादा हमारे तकलीफ आ रही है और उसका आपने कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला हो? तो हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों के भी वो तकलीफ आ रही हो तो उससे वो निकलने का उनको रास्ता मिले, ऐसा कोई आपके लाइफ में कोई इंसिडेंस हुआ हो? एग्जैक्टली 4 साल से पहले की मैं बात करूंगा जी। 4 साल पहले जो मैंने आपको आगे भी बताया कि कर्जा बढ़ रहा था, बराबर ना, तो वो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि कर्जा चुकाने के लिए भी कर्जे पे लेना पड़ा था। अच्छा। हाँ, तो ये डायरी रखते थे हम ब्याज की। अच्छा। तो वो हमने वो समय पे ऐसा लगता था कि ये शायद हेवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। अच्छा। बराबर, लेकिन हमारे फ्रेंड ने आके एक बार हमको बताया कि ये सब चीज़ छोड़ो और इसमें से बाहर निकलो। अच्छा। तब जाके हमको वो रास्ता दिखा कि हमको इसमें से बाहर निकलना चाहिए। right. और हमने वो रास्ता चुना और उस पर काम किया और 1.5 साल में ये सब चीज़ों में से बाहर निकले और 1.5 साल में हम बोल रहे हैं कि आपको ब्याज फ्री हम जिंदगी जी रहे हैं। तो आप कौन सा आपने तरीका अपनाया जिससे कि आप उसमें से बाहर निकले? हाँ, परफेक्ट है ये, सही सवाल आपने पूछा कि इसका वे क्या था। तो एक तो मैंने आपको पहले बताया कि डेड स्टॉक जो ओवर स्टॉक रहता था हमारे पास 2.25 करोड़ के आसपास का स्टॉक रहता था। अच्छा। बराबर है, तो वो स्टॉक को हमने कम किया, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के स्टॉक में हमने वो बिजनेस चालू किया, उसका कंटिन्यूटी रखी। वो अभी हम स्टॉक पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं और हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी थी, उस प्रॉपर्टी को सेल करके सब हमने कर्जा चुका के हम नील हो के बाद में हम अभी
बिजनेस कर रहे हैं। राइट राइट, जैसे उसमें बताऊँ तो बिजनेसमैन क्या करता है, कुछ ले लेता है, कुछ बिल्डिंग ले लिया, कुछ मकान ले लिया, कुछ भाड़े का मकान ले लिया, तो वो सब ले लिया है, मगर उधर कर्जा भी इतना है, तो वो पकड़ के रखता है। अगर वो छोड़ देगा ना एक बार, तो फिर उसको लोन बचेगा ही नहीं। सही है सर। एक चीज हमारे इंडिया में खासकर चलता है, वो ब्लैक और व्हाइट का, है ना, कि भाई बिल में करना है कि कैश में करना है। तो आप क्या मानते हैं कि एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए और क्यों? अगर वहीं पे रहना है आपको, एक ही दुकान चलाना है, तो आप जैसे चला रहे हो वैसे चलाओ। अच्छा। बराबर। लेकिन आपको ग्रोथ करना है और मार्केट में रहना है और लोगों के साथ आगे बढ़ना है ना, तो आपको पक्के में ही काम करना चाहिए। अच्छा। हमने 2008 से एक मुहिम चलाई थी कि हम कच्चे का काम ही नहीं करेंगे। 2004 में हमने स्टार्ट किया था। हम पहले से ही ऐसे थे, लेकिन आपको पता है कितने कंप्लायंस रहते हैं, तो सब फॉलो करना बहुत दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी हमने 2008 से स्टार्ट किया कि हमको ये चीज़ नहीं करनी है, तो भी हम पूरा पक्के में ही काम कर रहे हैं। अच्छा, और इससे बेनिफिट हमें कहाँ कहाँ होता है सर, जब हम पूरा वाइट में जाते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हमें होते हैं? मेन बेनिफिट तो अभी वो गवर्नमेंट का बेनिफिट तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, पता नहीं मेरे को, लेकिन हमको जो फायदा हो रहा है एज ए बिजनेसमैन वो मैं आपको बताऊंगा कि एक तो हमारा अकाउंटिंग क्लियर हो जाता है। राइट। बराबर है। और लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है हमारे प्रति। राइट राइट राइट। हम हर कस्टमर को छोटी सी लिए ना उसको हम बिल देते हैं। राइट। बिल में पूरा डिटेल होता है कि हमारा GST नंबर है, इसका नाम नंबर सब रहता है। तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है तो वो भी आने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। अच्छा। और पक्के में होने से हम जो सिस्टम है ना प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। right. क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है पूरा सेंट्रल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। right. इसमें इधर उधर कुछ इन्वेंटरी नहीं होती। okay. सब कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम है, सब एक जगह पे दिखती है, ये ब्रांच में क्या सॉल्व हो रहा है सब दिखता है, क्योंकि ये पक्के में है तो हम सब रिकॉर्ड रख सकते हैं। right. हमको 5 साल पहले का सब देखना होता है तो हमें अभी मिल जाएगा, 5 साल पहले हमने क्या क्या बेचा था। right. और अभी क्यों ये नहीं चल रहा। Okay. तो डेटा मैनेजमेंट, डेटा रिसर्च, डेटा को आइडेंटिफाइड करने में बहुत अच्छा रहता है। राइट। इसलिए हम कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें बेनिफिट रहती है। राइट। सर, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, या तो वो बिजनेसमैन हैं या तो वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे, क्या आप उनको बताना चाहोगे कि बिजनेस करना है तो आपको क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत है? ओके। सो बिजनेस करना है ना तो एक लॉन्ग विजन रखिए। राइट। बराबर। एक संकल्प रखिए कि ये मेरे को ये हेतु से मेरा हमारा संकल्प है, हमारा साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति जी। का ट्रस्ट बढ़े। राइट। हम उसका ट्रस्ट जीत पाए वो हमारा मिशन है। राइट। तो कोई भी एक मिशन पकड़ के आप उस मिशन को चिपक जाओ। अच्छा। और उसके मिशन के अंडर में आपको जो भी चैलेंज आ रही है वो चैलेंज को डील करो, मिशन मत चेंज करो। ओके। मतलब मिशन स्टेटमेंट हमने एक बार बना दिया। हाँ, फिर उसके हिसाब से रास्ते ढूंढने हैं, रास्ते ढूंढने हैं इसको कैसे अभी मिशन में हम कर सकते। मतलब एक बिजनेसमैन की लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस का मिशन होता है कि वो क्यों काम कर रहा है, उसके काम करने की वजह क्या है। हाँ। और लोगों के लिए काम करना चालू करो। जैसे कि हमारा स्टाफ होता है, हमारा जो ये दूसरा परिवार होता है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकूं? वो इंटेंशन से भी अगर काम करे तो भी धंधा ग्रो हो सकता। राइट राइट राइट। और कहीं ना कहीं सर, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं कि जहां पर लोग अभी भी टीम को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं, टीम को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, टीम को उतना कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन नहीं देते हैं, और उससे टीम का मोरल डाउन होता है। तो उनको मोटिवेट रखना, उनको भी एक फैमिली की तरह ट्रीट करना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि एक समय पर लोग मजदूर मानते थे। हाँ। राइट ना। लेकिन आज का ऐसा जमाना है कि वो मजदूर नहीं, वो मालिक है। मालिक। हमारे बिना धंधा चल जाएगा। हाँ। वो ऐसा इतना कैपेबल है। तो आज उनको वो ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। तो अभी राइट टाइम आ ही गया है, अभी यही टाइम है। राइट। कि उसको मालिक समझो। राइट। आप मालिक बन के बैठे हो ना, तभी धंधा नहीं होता। उसको मालिक बना दो तो ऑटोमेटिकली धंधा होगा। राइट। और मालिक बनेगा तो जाहिर सी बात है अपनी चीजों को और बेहतर तरीके से करेगा। और हो रहा है, हमारी कंपनी में हो रहा है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ हम दो फ्री है। तो सर, फ्री टाइम में आप लोग जनरली क्या करते हैं? मानो कि जैसे कि हमारा कोई काम नहीं है, या हम आपके शौक क्या, आपके हॉबीज क्या है फ्री टाइम? मेरा बताऊँ तो मैं ना सूरत में एक ग्रीन आर्मी करके संस्था चलाता हूँ। अच्छा। और ग्रीन आर्मी में हमने 15,000 से ज्यादा पेड़ लगाए सूरत के अंदर। ओके। तो वो हम काम कर रहे हैं।
और एक युवा शक्ति ग्रुप है जिसमें हम गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल का जो खर्चा अचानक उसको आता है तो उसके रिगार्डिंग हम उसको हेल्प करते हैं और वो पूरा ग्रुप है उसके अंदर सेवा दे रहे, इसके अंदर सेवा दे रहे, और एक हमारा प्रोग्रेस क्लब है उसके अंदर भी सेवा दे रहे कि लोगों का लोन कैसे काम हो, हमारा तो हो गया, दूसरा का कैसे काम हो, तो वो सब हम देखते हैं। लोगों का भला करने जब उठते हैं ना तो हमारा भला ऑटोमेटिक हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब सोशल एक्टिविटी में हम जुड़े हुए हैं तो सोशल एक्टिविटी हम करते रहते हैं। तो सोशल एक्टिविटी करने का सर हमें क्या बेनिफिट सबसे ज़्यादा होता है? सुकून मिलता है, पहले तो मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ मेरी जिंदगी दूसरे लोगों के काम आ रही है, तो सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसके अंडर में सब है, बिजनेस बढ़ता है, उसकी दुआ से चल रहा है हमारा बिजनेस। और बिजनेस की बात करूँ तो ऑटोमेटिकली बिजनेस वैसे ही बढ़ता है क्योंकि हम इसके लिए काम कर रहे हैं और उसके नज़र में हम अच्छे हो गए तो सारे समाज के लिए हम अच्छे हो गए और समाज से ही तो हमको धंधा लेना है, तो ऑटोमेटिकली लोगों के लिए वो ट्रस्ट बिल्ड होगा कि इसके यहाँ से लेते हैं माल, कि अच्छे आदमी है, वो कभी चीटिंग नहीं करेगा, वो प्योर माल देंगे, उसको कभी इधर आने के बाद डाउट नहीं होता कि ये कुछ हमको नया दे देंगे, अच्छा नहीं देंगे, ऐसा होता ही नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी समाज के अंदर ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगे कि इसके जैसा आदमी नहीं है कोई। और एक बार मैंने सर एक इंटरव्यू देखा था सावजी भदौड़ा किया का, उसने उन्होंने बताया था कि हम बिजनेस नहीं, हम सोशल बिजनेस करते हैं। हाँ, राइट, कि सोशल में मतलब समाज में भी बेनिफिट हो और साथ साथ में हमारे बिजनेस को भी बेनिफिट हो, और उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे लोगों का भरोसा हम पर जुड़े, क्योंकि आज लोगों का प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं, कई बार अनएथिकल चीजें कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये चीजें ना उनके बिजनेस को एक लेवल से ग्रो करने नहीं देती है। तो ये बहुत जरूरी कि हम सोशल बिजनेस करो, समाज को भी साथ में लेके चले तो अपना बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया और आप लोगों ने बहुत वैल्यूएबल लर्निंग दी। सो ये थे एवन परफ्यूम के ऑनर जो हमें बता रहे थे कि एक बिजनेस को अगर एक आउटलेट से 5 आउटलेट तक लेकर जाना है तो क्या कर सकते हैं, और साथ साथ में अगर एक ही आउटलेट से आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप क्या करो। और हमने आज यहाँ पर बहुत सारी चीजें जानी कि सोशल बिजनेस भी करना बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के हमारे साथ। थैंक यू सर, हमारा काम भी यही है कि आप जैसे अच्छे लोगों के बारे में मार्केट में जितने लोग और भी हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो आपको आइडल मानते हैं, उनको आपके बारे में बताया जाए जिससे वो भी कुछ इंस्पिरेशन लेकर अपनी लाइफ में कुछ करे, तो डेफिनेटली हमारे पूरे समाज का भला होगा। So ये माध्यम से मैं एक ये भी कहना चाहता हूँ, किसी को भी इस टाइप की कोई भी चैलेंज हो तो हम अवेलेबल है उसके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगर आप अगर हम आपके कुछ काम आ सकते तो हमको जरूर याद, ऑलवेज रेडी है। थैंक यू सो मच सर। सो ये थे हमारे एवन परफ्यूम के ओनर्स और जिन्होंने हमें बहुत वैल्यूएबल लर्निंग दिया। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो आपके बिजनेस के अंदर कोई चैलेंजेस आ सकते हैं तो डेफिनेटली सर को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए पर्सनालिटी के साथ, जहां पर हम और भी लर्निंग वाली बातें करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।